हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आगरा की टूर करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आगरा में मैं जहां जहां पे घूमने के लिए गया था वो सभी जगहें मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूं सिकंदरा से, जो कि अकबर स्तंभ है जिसे सिकंदरा के नाम से जाना जाता है। अकबर को उसकी मौत के बाद यहीं पर दफनाया गया था। तो ये स्ट्रक्चर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और अट्रैक्टिव है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। जब आप सिकंदरा घूमने के लिए आएंगे तो आपको वो बिल्डिंग बाहर से ही दिख जाएगा, जो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा आपको आकर्षित करेगा। जहाँ तक मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना था, तो मुग़ल शाहजहाँ अकबर अपने जब वो ज़िंदा थे तो अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने मकबरे को बनवाने का काम शुरू कर दिया था। उनकी इच्छा थी कि मेरे जीते जी ही मेरा मकबरा तैयार हो जाए। सो 1605 में जब अकबर नहीं रहे तो उनके बेटे जहांगीर ने उस मकबरे को पूरा करवाया। ये मकबरा पूरा करवाते ही अकबर की मौत हो गई थी। तो बाद में उनके बेटे जहांगीर ने 1613 में ये मकबरा बनवा के तैयार किया गया। और उस ज़माने में लगभग इसे बनवाने में 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। आगरा में और भी कई जगह हैं घूमने लायक, बट ये जगह काफ़ी ख़ास है। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया रहेगी। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अकबर का मकबरा अंदर से, जिसके अंदर छोटी छोटी नक्काशियाँ की गई हैं दीवारों पर, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप इसका डिज़ाइन देखोगे अंदर से तो आपको ताजमहल के जैसा ही थोड़ा बहुत दिखेगा, क्योंकि ताजमहल के अंदर भी ऐसी ही नक्काशियाँ हैं और ऐसे ही लकड़ी के दरवाजे हैं, तो आपको वो स्ट्रक्चर सिमिलर लगेगा। अकबर के मकबरे तक जाने के लिए ये एक अंदर छोटा सा रास्ता है वन वे, जहाँ पे आप अकबर का मकबरा देख सकते हैं। अंदर अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ शांति बनाए रखिएगा, ज़्यादा शोर मत करिएगा। सिकंदरा मकबरे के अंदर ही कुछ और चीज़ें भी है देखने लायक, जैसे कि ये कांच का महल। अभी तो बाहर से ही आपको दीवारों पे थोड़े बहुत कांच की कारीगरी आपको दिखाई देगी, अंदर तो सब उस ज़माने का कुछ बचा नहीं है, सब खंडहर हो चुका है। लेकिन फिर भी ये बाहर से देखने में तो खूबसूरत ही लग रहा है। अंदर ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, क्योंकि अंदर से कुछ बचा नहीं है। अभी मैं आगे बढ़ चुका हूँ आगरा फोर्ट के लिए। आगरा फोर्ट मैं अपनी पिछली ट्रिप के दौरान पूरा घूम के आया था, तो इस बार मैं आगरा फोर्ट नहीं कवर कर रहा हूँ, बट फिर भी कुछ कुछ तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको आगरा फोर्ट के बारे में जानकारी दे दूँगा और अंदर से भी आगरा फोर्ट आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखा दूँगा। तो ये है उसकी बाउंड्री वॉल, पूरी लाल कलर की है। और ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अंदर अगर आप पूरा अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का समय चाहिए होगा। आगरा फोर्ट एक हिस्टोरिकल फोर्ट है, जहाँ पे 1638 तक मुग़ल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। जब राजधानी आगरा से दिल्ली चली गई, उससे पहले तक मुग़ल
राजवंश के सभी जितने भी सम्राट रह चुके हैं उन्होंने इसी किले में रहकर अपना राज किया था। ये आगरे का किला भी मुगल बादशाह अकबर ने ही बनवाया था, जिसको बनवाने का काम 1565 के आसपास शुरू किया गया था। यह भी मैं कुछ तस्वीरों के ज़रिए आपको आगरा का किला दिखा रहा हूँ। एंटर होते ही यह आपको सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा दिखाई देगा, उसके बाद अंदर से उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है, नक्काशियाँ की गई है छोटी छोटी। ये है दीवाने आम, जहाँ पे बादशाह अकबर बैठते थे और उनका दरबार लगता था, तो यहाँ पे वो बैठते थे और नीचे सब उनकी प्रजा और वो सब बैठते थे। ये है दीवाने खास, जहाँ पे मेहमान रहते थे उस टाइम पे। तो ये सब कुछ तस्वीरों के ज़रिए मैंने आपको आगरा का किला अंदर से दिखा दिया। और अभी ये जो आप जगह देख रहे हैं ऊपर टॉप के ऊपर, तो वो ये वही जगह है जहाँ पे शाहजहाँ के बेटे ने उनको कैद करके रखा था, और शाहजहाँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनको ऐसी जगह पे रखा जाए कि वहाँ पे खिड़की में से वो ताजमहल को देख सके, तो वहाँ से सीधा ही ताजमहल दिखता है। तो ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनके बेटे ने उनको यहाँ पे रखा था। ये जो सामने आप सफ़ेद कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं यही है इत्मादुद्दौला। अगर आप आगरा आते हैं तो इसे भी अपनी टूर के दौरान कवर कर सकते हैं। बेसिकली ये भी एक मकबरा ही है जो कि संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। 1622 से 28 के बीच में इसको नूरजहाँ ने अपने पिता के लिए बनवाया था। ये यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। आगरा में अगर आप आते हैं तो आपने सुना होगा खाटू श्याम जी का मंदिर भी है। जयपुर में वो बड़ा मंदिर है, छोटा मंदिर आगरा में है, उसके दर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप फतेहपुर सीकरी भी जा सकते हैं, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और आगरा आते हैं तो ऑब्वियसली पेठे लेने तो बनता ही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।